हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मैं आप सबकी रश्मि सोनी और आज का ब्लॉग करती हूँ मैं स्टार्ट। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद, तो आज है गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले सभी की गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं मैंने साड़ी वियर किया और डेली वियर का ही साड़ी है ये। और थोड़ा सा गले में छोटा सा मंगलसूत्र पहन लिया क्योंकि यहाँ पर मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर उतार दूँगी क्योंकि पूजा है, गुरु भगवान की पूजा करेंगे तो थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहन लेते हैं तो सही लगता है। तो मैं अब जाती हूँ किचन के साइड क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और आज मेरा ना पूर्णिमा का व्रत है क्योंकि मैं हर महीने की पूर्णिमा रखती हूँ व्रत, तो आज मेरा पूर्णिमा व्रत भी है। तो मुझे बस सिर्फ, तो चलते हैं किचन के साइड। तो आप लोग देखते हैं, इधर की लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, आप लोग देख सकते हैं। गुरु जी के लिए कुछ फलहार आना है तो वो मार्केट से मंगवाएंगे सारा कुछ, क्योंकि मैं पूर्णिमा के दिन मिठाई खाती हूँ तो फल वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं ज़्यादा आलू वगैरह साबुदाने वगैरह कम ही लेती हूँ। और नमक आज के व्रत में नहीं खाते हैं। और आप देख सकते हैं, और इधर अपर्णा कर रही है पूजा। राधे राधे। मेरा पुराना पोर्शन है, बहुत पुराना, दादी वगैरह के टाइम का। तो अब इसका क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी है ना, उनका घर बन रहा है, तो इधर आप देख सकते हैं, शायद रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा है, तो उनकी ना दीवार टूट रही थी तो इधर की भी आप देख सकते हैं पूरा इधर से इधर तक चटक गया है। देखिए मेरे यहाँ का, और देखिए आप लोग, बहुत धूल हो रही है इधर क्योंकि ये सब फूटा था ना ऊपर का, तो इसमें ना सारे में धूल हो गई है। तो बस उनका काम होने वाला है, जब काम हो जाएगा तो इधर का भी सब हो जाएगा। और ये मेरा पोर्शन बनेगा, जब भी बनेगा, कुछ ही सालों की बात है, एक दो सालों की जब भी। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने क्योंकि मुझे हो गया था लेट, तो जल चढ़ाकर मैं आ गई। और मैं यहाँ धूप बत्ती जलाऊँगी क्योंकि मैं अपनी कुल देवी के नाम की धूप बत्ती जलाती हूँ, डेली मेरा रूटीन है ये। और आप लोग देख सक रहे हैं कि मेरे बाल थोड़े से आगे से वाइट हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैं तीन साल ना, आज से दो साल पहले, तीन साल पहले, मतलब तीन साल में कंटिन्यू बीमार रही थी, और इतनी ज़्यादा बीमार रही थी कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। और अभी मैं सच बता रही हूँ, मेरे भाई बहन के भी सफ़ेद बाल नहीं हुए हैं जो मेरे हो गए हैं। तो मेरे थोड़े से वीकनेस की वजह से आगे आगे से बाल सफ़ेद हो गए थे, थोड़े थोड़े हो गए थे, और फिर मैंने क्या किया, कलर लगाया, तो कलर से मेरे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो सच बता रही हूँ, मेरे अभी भाई बहन के नहीं हुए लेकिन मेरे हो गए हैं। और अब मैं, तो मैं देवी जी को धूप बत्ती लगाकर आ गई थी, और मैंने फिर किचन बनाना, खाना बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सुहागलों की पूजा में जाना है, क्योंकि मेरी चाची सास ने सुहागलों की हैं। खाना पीना तो मुझे नहीं खाना क्योंकि मेरा आज व्रत है, तो कुछ नहीं खाऊंगी, पूजा करवाऊंगी, और जो मुझसे काम बन पड़ेगा वो मैं काम करवाऊँगी उनके यहाँ पर। और अपर्णा को कन्या भोजन में जाना है, तो बस तीन लोगों का खाना बनाऊँगी मैं, अपने ससुर जी के लिए और इनके लिए और शिवांश के लिए। तो अपर्णा तो थोड़ी बहुत खाएगी क्योंकि उसका मन नहीं भरता जब तक मेरे हाथों का खाना नहीं खा लेती, तो अपर्णा तो खाएगी, लेकिन मेरा आज खाना पीना कुछ नहीं होना। शाम को मैं सीधा भोग लगाकर खीर खाती हूँ। तो बस अभी तो मैं किचन का कर रही हूँ, तो आगे आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी गरुण जी की, अपर्णा की भगवान की पूजा की कर ली है अपर्णा ने, गरुण जी बजा रही है वो अभी। तो बस अब मैं करूँगी तैयारी उसकी, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती है। तो मैंने अपर्णा से कहा था भगवान जी के कपड़े वगैरह चेंज करके उनकी पूजा कर लो, और फिर मैं आकर सारी तैयारी कर रही हूँ। तो प्लेट्स वगैरह मैं लगाऊँगी, खाना भी मेरा रेडी होने वाला है क्योंकि ज़्यादा कुछ बनना नहीं था। और फलहार सारा ना मार्केट से ही आएगा, मैं घर पे कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आलू का हलवा बनाऊँगी, बाकी फल वगैरह सब कुछ मार्केट से ही आएंगे। मिठाई है, फल है, तो सब मार्केट से आ रहा है क्योंकि ये लेने गए हैं। देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे गुरु जी हैं, अयोध्या में हैं जो श्री श्री नेत्र गोपाल दास जी, ये अयोध्या जी के अध्यक्ष हैं, मतलब
अभी भी है ना अपर्णा काका? हाँ। ये अयोध्या के अध्यक्ष हैं श्री श्री नित्य गोपाल दास जी, हम लोगों के सभी के पूरे परिवार के गुरु गुरुदेव हैं, हम लोग इन्हीं से गुरु दक्षिणा लिए हैं सभी लोग। तो अभी तो ये अस्वस्थ रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब उनकी एज भी हो गई है बहुत। तो आप लोग, मैं इसको फोटो को ना फ्रेम करवाने पहुंचा रही हूँ। ये पता है 3-4 साल पहले आ गई थी और लापरवाही में सिर्फ ऐसे पॉलीथीन में पैक करी ही रखी है, और हर बार सोचते गुरु पूर्णिमा तक करवा लेंगे, गुरु पूर्णिमा तक करवा लेंगे, लेकिन फिर वही होता है पूजा हो जाती है और जब पता रख जाती। तो मैंने कहा आज पहले करवा के लाओ तब पूजा करेंगे, तो आज थोड़ी सी पूजा के लिए लेट जरूर हो जाएगा, लेकिन फ्रेम करके आएगी तभी पूजा होगी। शिवांश इधर आओ बेटा, तो फ्रेंड्स खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। अब मैं सफाई कर रही हूँ और उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी, और उसके बाद थोड़ी सी आप लोगों से बात भी करूँगी। तो फ्रेंड्स खाना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, नहीं तो आप लोग सोचेंगे दीदी ने एक सब्जी बनाई और खीर और रायता बनाया और फ्री हो गई, क्योंकि क्या है कि सभी को अभी खाना है और शाम को ना मेरी चाची सास के यहाँ जाना है खाना खाने। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि सुहागलों की पूजा में हम लोगों को जाना है, तो ये भी कह रहे थे थोड़ा थोड़ा ही बनाना, कुछ ज़्यादा मत बनाना क्योंकि सभी को जाना है उधर। और फिर मैं इधर किचन में आलू का हलवा बनाने लगी थी, क्योंकि आलू ज़्यादा थे तो मैंने बचा लिए थे आलू, तो आलू का हलवा बना लूँगी तो भोग के लिए भी हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा, और बाकी सब आप लोगों को पता है कि मार्केट से आ रहा है फलहार, तो बस आलू का हलवा जरूर मैं बना कर रख दूँगी। अगर ज़्यादा होते, ज़्यादा नहीं होते तो फिर कोई बात नहीं थी, ज़्यादा थे मैंने कहा रखे रहेंगे तो हलवा ही बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठी हूँ और मुझे अभी ना अपने मतलब गुरु महाराज जी के नाम की जो गुरु मंत्र की माला करनी है और पाठ करने हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि चलो ये आ जाते तो फिर करेंगे, और इनको लग रहा है टाइम, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं कर लेती हूँ फिर अपने सारे काम किचन के करूँगी, क्योंकि बच्चे भी साथ में गए हैं, का जो मैंने दिखाया था वो सही करवा दूँ पापा जी से बोल कर, क्योंकि मैंने बोल दिया था उनके यहाँ काम भी लगा, तो वहीं से वो आएंगे कारीगर सही कर देंगे, फिर मैं सफाई करूँगी पूरे बर्तनों पर, पूरे डिब्बे जो रखे हैं मेरे स्टोर रूम के, तो सारे पे धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ सामान वगैरह उठा रहे हैं ना तो हाथों में धूल लग जाती है, गंदे हो जाते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसा ना हो कि जो मेरे खाने पीने का सामान सब स्टोर रूम में रखा रहता है, जो स्टोर किए रहते हैं सामान, वो ख़राब ना हो जाए धूल की वजह से, तो उस में त्यौहार करना अच्छा लगता है। और देखो शायद मेरे भैया भी आए रक्षाबंधन पर, छोटे या बड़े जो भी आएंगे मुझे नहीं पता है, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। चलो तो फिर ये लोग तो आ गए हैं, फिर मैं जब भी पूजा करूँगी तभी कर लूँगी गुरु मंत्र की माला और पाठ वगैरह कर लूँगी। तो पहले मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, 1 बज गया है, फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर शांति से पूजा करूँगी, क्योंकि बच्चों को ज़रूरी रहता है, अभी वो ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अपर्णा भी गुरु दीक्षित हो चुकी है, इन्हीं से महाराज जी से गुरु दक्षिणा ले ली थी उसने, जब वो आए थे सागर आए थे तभी, है ना। हो गया प्रेम, फेवरेट फोटो लेकर आ गई थी, प्रेम होके आ गई थी ना, आज हो जाती तो हो जाती, वरना ये नहीं हो पाती, ये अच्छा हुआ। अब हम लोग अच्छे से पूजा वगैरह करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा कैसी लगी अपर्णा। अब मैं तैयारी करती हूँ, अपर्णा चौक लगाओ अच्छे से, चाची इधर वाले रूम में अच्छे से साफ सफाई कर दूँ, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स ये मार्केट से फ्रूट वगैरह लाए थे, तो मैं इनको कट कर लेती हूँ और अब करती हूँ मैं पूजा की तैयारी। तो फ्रेंड्स मैंने फ्रूट्स वगैरह काट कर फिर यहाँ बूढ़िया सीखी, क्योंकि लेट बहुत हो गया था, 2 बज रहे थे और बच्चों को खाना भी खाना था, तो मैंने सोचा पहले इनको खाना खिला देती हूँ फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि आज का तो पूरा दिन पूजा में ही जाना है। तो फ्रेंड्स मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था और मैं तैयार होकर पूजा करने बैठ गई थी, और हम सभी यहाँ पर बैठे थे, लेकिन जल्दी के चक्कर में मैंने अपना ही सूट कर पाया, और घर से पूजा करने के बाद मैं इधर डायरेक्ट इधर आ गई थी चाची जी के यहाँ पे, क्योंकि घर में सारा काम हो चुका था, सबका खाना वगैरह सब कुछ करके और साफ़ सफाई करके मैं फिर इधर आ गई, और इधर ना सुहागलों की पूजा स्टार्ट हो गई थी, मैं थोड़ा लेट पहुँची। और ये मेरी चाची दो घर छोड़ कर ही रहती हैं, ये रेड कलर की जो साड़ी पहने हैं जो गरुण जी हाथ में लिए हैं तो इन्हीं के यहाँ थी, और ये येलो कलर की साड़ी पहने ये मेरी चाची सास हैं, और ये हैं जो येलो कलर की साड़ी पहने लाइन वाली ये मेरी बड़ी मम्मी हैं,
और ये मेरी येलो कलर, ये जो येलो कलर की साड़ी पहनी, ये मेरी जिठानी है, और इनके साइड में जो बैठी है वो भी मेरी जिठानी लगती है, और बीच में मैं बैठी हूँ। तो ये मैं अपने दोनों जिठानियों के बीच में बैठी हूँ। तो मैं इन सबसे दिखती बड़ी हूँ, लेकिन इन सबसे छोटी हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, और बुरा लगे तो भी कमेंट्स करके बताना, क्योंकि आप सबको पता है मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सपोर्ट करिए। जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देखें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी गलतियाँ हों वो भी बताएं। तो क्योंकि मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाइए अपना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। सभी को राधे राधे।